हेलो, वेलकम बैक अगेन बेटा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन पढ़ लिया था, रीजनरेशन पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट जो हमारा मोड है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, दैट नेम इज बडिंग। बेटा बडिंग क्या होता है? बडिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो जो रीजनरेटिव सेल होते हैं किसी भी उसकी बॉडी के एक कोई भी एक कोने में या एक पार्ट में, वहाँ से वो रीग्रो होना या फिर डेवलप होना या फ्रीक्वेंट सेल डिवीज़न होना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है, फ्रीक्वेंट सेल डिवीज़न के थ्रू वहाँ पर एक आउटग्रोथ सी देखने को मिलेगी आपको, और वो जो आउटग्रोथ देखने को मिलेगी तो वही डेवलप होता 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 एक टाइनी ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के जैसे दिखने वाले होंगे वो, और वही टाइनी ऑर्गेनिज्म बड़े होकर फिर एक कंप्लीट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का फॉर्म ले लेंगे। यही होता है आपका बडिंग। ये किस में होता है? इसके दो अच्छे से एग्जांपल हैं, एक है आपका हाइड्रा है और दूसरा है आपका ईस्ट। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे हाइड्रा के थ्रू। हाइड्रा में आपने देखा कि ये जो ऊपर की तरफ ये जो हेयर हैंड्स निकले हुए हैं, इनको हम टेंटिकल्स बोलते हैं, स्टिंगिंग टेंटिकल्स। तो ये क्या काम करते हैं, ये फूड को कैप्चर करने का काम करते हैं, ये स्टिंगिंग का काम करते हैं। आप नीचे की तरफ देखेंगे कि यहाँ पर ये जो आउटग्रोथ दिख रहा है आपको, आउटग्रोथ, तो यही एक आउटग्रोथ क्या होगा, धीरे धीरे डेवलप होते होते एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में, और फिर जब वो मैच्योर हो जाएगा, थोड़ा सा मैच्योर होने लगेगा, तो वहाँ से अपने पेरेंटल बॉडी से वो डिटैच हो जाएगा, और डिटैच यानी अलग होने के बाद फिर वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। तो यही है इसका बडिंग का मेथड। और दूसरे अगर आप डायग्राम में ईस्ट में देखें तो ईस्ट में भी सेम यही प्रोसेस होता है। ईस्ट तो वैसे तो खैर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि जो आउटग्रोथ हो रही है वो कभी कभी तो अलग हो जाती है और कभी उसी में ही होते होते रीग्रो होना शुरू हो जाएगी। तो यही सेम प्रोसेस होता है बडिंग और हाइड्रा में। अब बाकी कुछ जो है हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप डायग्राम के थ्रू समझ ही गए किस तरह से होता है। हाँ तो बच्चों, आप लोग इधर थोड़ा देखें। इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बॉडी एंड आउटग्रोथ इज डेवलप्ड इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, क्लियर, एंड डेवलप्ड फर्दर सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स। फाइनली दिस डेवलपिंग बट डिटैच फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी एंड मेक अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, क्लियर हुआ। तो ये जो चीज़ मैंने बोली थी वो चीज़ मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया, आप इसे नोट डाउन कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें जो भी। एंड द वेरी गुड एग्जाम्पल्स आर ईस्ट एंड हाइड्रा, और यहाँ पर आपको मैंने बारी बारी से आपको दोनों ही समझाए थे, तो ठीक है। तो अगला जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आएगा बेटा वो अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा।